मीडिया के डिबेट्स में भाजपा नेता अक्सर विपक्ष की आलोचना करते नजर आते हैं, लेकिन अब विपक्षी नेता भी पलटकर जवाब देने लगे हैं। आज की वीडियो में बात ऐसे ही कुछ डिबेट्स की करेंगे। न्यूज 18 पर किसान महापंचायत के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब दे रहे थे तो भाजपा प्रवक्ता ने उनके बीच में बोलना शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच में बहस देखने को मिली कि राहुल गांधी जी के लिए आज हमने कहा है कि वो भारतीय राजनीति के पॉलिटिकल कुकू हैं। पॉलिटिकल कुकू मतलब कोयल चिड़िया। आप सब ने पढ़ा होगा कि जो कोयल चिड़िया होती है ये अपनी घोंसला अपना घोंसला नहीं बनाती, ये उड़ते रहती है, मौज मस्ती में रहती है और जब अंडा देने का समय आता है तो कौवे के घोंसले में जाके अंडा दे देती। पहले मैं एक कोयल और कुकू का जवाब दे दूं। संबित जी, एक तो थोड़ा भाषा अपने ठीक करें, दूसरी बात आपके जो रंगा बिल्ला हैं उनको हिंदू मुसलमानों को लड़वा कर, अरे यार अब रंगा बिल्ला आ रहा तो क्यों आप परेशानी क्यों हो रही है आपको? मैंने तो नाम लिया ही नहीं, बोलो जवाब दो। तो रंगा बिल्ला कहा है? बोलो बोलो बोलो, आप बता दो रंगा बिल्ला कौन है, आप बता दो रंगा बिल्ला कौन है, आप बोलो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। आप बोलिए ना, पूरा बोलिए फिर बताऊंगा। अरे कुकू भाषा खराब नहीं है, कुकू बहुत अच्छी भाषा है। अरे आने दो भाई, आने दो भाई, तो रंगा बिल्ला भी भाषा खराब नहीं है भाई। न्यूज नेशन पर जावेद अख्तर के बयान को लेकर डिबेट हुई। इस डिबेट में विवेक श्रीवास्तव ने भाजपा को विकास के मुद्दे पर घेरना शुरू किया, जिसके बाद भाजपा प्रवक्ता डिबेट बीच में छोड़कर चली गई। वोट से का सम्मान करूं जैन की तरह, डिनाउंस करें वोट से, ये नहीं करेंगी। ये इस्लामोफोबिया को लेकर के बैठी है, ये करें डिनाउंस हिंदू राष्ट्र को, आप डिनाउंस करिए हिंदू राष्ट्र को, आप बोलिए कौन से बड़ा बदतमीज आदमी विवेक, मैं आपको सम्मान दूंगा, आप डिनाउंस करिए राष्ट्र को, आप बोलिए कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर रहेगा, मैं दूंगा सम्मान सबको, किसी को कोई गाली नहीं दे रहा है। आप कंसेप्चुअली गलत और कम्युनल लोग हैं, आप लोग कम्युनल एक संगठन है और कम्युनल राजनीति को बढ़ावा दे करके वोट पोलराइज करके आप वोट लेते हैं। इस्लामोफोबिया आपका डीएनए है, हिंदू राष्ट्र को आप, मैडम आई डोंट नीड योर सर्टिफिकेट। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे स्वेयर करता हूँ, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूँ। वैलेंटाइन डे पे जाकर के जब बजरंग दल लड़के लड़कियों को रोकता है तो क्या वो तालिबानी सोच नहीं है? वैलेंटाइन डे मनाएंगे आप? मैडम आप वैलेंटाइन डे के फेवर में हैं? जरा मुझे बताइए आप वैलेंटाइन डे में आ गए। आज तक पर अफगानिस्तान के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने सवाल शिवसेना के नेता से किया। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, जिस पर संबित पात्रा भड़क उठे। इसके बाद दोनों के बीच बहस हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में भी उल्टी सीधी बात नहीं कर रही हूँ, पर इनका जिस तरीके से इन्होंने संजय राउत जी के बारे में बयान दिया है, इनको माफी मांगनी चाहिए। तू तड़ाक करके बात करने की जो भाषा है भारतीय जनता पार्टी को, उनको सीखने की जरूरत है कि किस तरीके से मर्यादित भाषा में बात करने की जरूरत है, खास करके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक सीनियर लीडर है। अब रही बात, भाई साहब आप चुप रहिए, भाई साहब मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप लोग दिन रात प्रधानमंत्री के गरिमा की बात करते रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की बात करते रहते हैं, यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे करके बात कर रहे हैं जैसे कोई सम्मान नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, वो भी सम्मान करना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फिल्म एक्ट्रेस को हरामखोर बोल दे तो वो बढ़िया है, ये कैसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो फिल्म एक्ट महिला को हरामखोर बोल देता है? चुप रहिए, यू डोंट नीड टू टीच मी, मुझे याद दिलाइए, हिस्ट्री याद दिलाइए, शिवसेना हमारी सरकार की हार थी उस समय, मैं आपको इतिहास आपको याद दिला रही हूँ, तो मुझे पता है तुम्हें चुप रहना होगा। आपने अभी कंधार में वाजपेयी जी पे आक्रमण कर दिया। इंडिया टीवी पर किसान महापंचायत के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने सवाल पहले भाजपा प्रवक्ता से किया, जिसके बाद वे किसान आंदोलन पर सरकार का बिचाव करते दिखाई दी, तो कांग्रेस प्रवक्ता ने अपने जवाब में भाजपा प्रवक्ता को करारा जवाब दिया। और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको जिनको इससे ना सिर्फ फायदे हुए लेकिन उनका भविष्य जो है और बेहतर है, क्योंकि पहली बार स्वामीनाथन अय्यर कमेटी की रिपोर्ट को बाकायदा पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है। सौरभ भाई एक बड़ी गजब की बात है, बाकी तो मेरी सारी बातें पुष्पेंद्र भाई ने कही दी है, पुष्पेंद्र भाई बहुत बड़े किसान नेता है। कहते ना कि भाजपा इस कदर किसान पे एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, शाजिया जी तो बहुत पढ़ी लिखी है, जिन लोगों को एम एस स्वामीनाथन में और स्वामीनाथन अय्यर में अंतर नहीं पता है, वो लोग आज किसान के बारे में बात कर रहे हैं। स्वामीनाथन अय्यर की रिपोर्ट बता रहे हैं, एम एस स्वामीनाथन के लेकर, दो मिनट भाई, मैं आपसे दो बातें कह रहा हूं। आपने पिछले चार साल से एक रुपया भी गन्ने का बढ़ाया हो, पंजाब में 35 रुपए क्विंटल हमने बढ़ाया, आपने 5 रुपए भी बढ़ाया क्या? 12,000 करोड़ का आपके ऊपर बकाया है, आपने 1 रुपया भी दिया क्या? आपको ये डिबेट्स कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।